Welcome to Science Seekers by SV. In this video, we shall talk about two cell organelles, that is cilia and flagella and centrioles from class 11th, chapter 8. तो सबसे पहले हम सीलिया एंड फ्लैजेला को डिस्कस करेंगे. जनरली ये होते क्या हैं, दे आर फाइन वाइब्रेटिंग हेयर लाइक आउट प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ्स जो कि सेल के सरफेस पे फ्रीली एग्जिस्ट करती हैं. जनरली जो सीलिया है ये स्मॉल होगा और काफ़ी ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होगा एंड इसका मेन फंक्शन है सेलुलर मूवमेंट का या फिर अपनी सराउंडिंग्स में जितना भी कोई फ्लूइड प्रेजेंट होगा किसी भी तरह का फ्लूइड उसके मूवमेंट में हेल्प करना. फर्दर हम बात करते हैं फ्लैजेला की. तो ये जो फ्लैजेला है ये सीलिया के कंपैरेटिवली लॉन्ग होंगे लेकिन कम नंबर में प्रेजेंट होंगे एंड इसका जो मेजर फंक्शन है दैट विल बी सेलुलर मूवमेंट और लोकोमोशन. अब हम देखते हैं कि ये सीलिया एंड फ्लैजेला कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं. जो सीलिया है इट अकर्स इन प्रोटोजोअन्स एट एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ निमेटी हेलिमेंथीज प्लैटी हेलिमेंथीज लार्वी ऑफ एनालिड्स मोलस्क्स वर्म्स या फिर ह्यूमन बींग्स के केस में अगर बोलें तो इंटरनल पैसेज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रीनल ट्यूब्यूल्स या फीमेल्स के केस में फेलोपियन ट्यूब्स में वहाँ पे सीलिया देखा जाता है. एंड जो फ्लैजेला है इट अकर्स इन यूग्लिनॉइड्स डाइनोफ्लैजेलेट्स स्पॉन्जेस टेरिडोफाइट्स ब्रियोफाइट्स स्पर्म में गैमेट्स ऑफ एल्गी में या जो प्रिमिटिव फंजाई होती है उसमें ये देखने को मिलता है. नेक्स्ट अकरेंस के बाद हम देखते हैं कि ये जो सीलिया और फ्लैजेला है ये कौन कौन सी चीज़ों का बना होता है. तो जनरली ये तीन चीज़ों का बना होता है, दैट इज़ फर्स्ट बेसल बॉडी देन बेसल प्लेट एंड देन शाफ्ट. हम तीनों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में. ओके तो बेसल बॉडी जो है इसको हम ब्लिफेरोप्लास्ट के नीटोसोम्स या बेसल ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं. ये जनरली सेंट्रियोल से बनती है एंड एम्बेडेड रहती है एट द आउटर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म. प्लाज्मा लिमा के बिल्कुल नीचे साइटोप्लाज्म के आउटर पार्ट में ये जो बेसल प्लेट है ये एम्बेडेड रहती है. देखो यहाँ बुक में आपको ये बेसल प्लेट बेसल बॉडी बेसल शाफ्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं. तो आप ध्यान से सुनोगे. देन बेसल प्लेट आ जाती है. इट इज़ अ हाई डेंसिटी बैंड या प्लेट लाइक रीजन होता है जो कि बेसल बॉडी और शाफ्ट के बीच में प्रेजेंट रहता है. जनरली इसका फंक्शन क्या रहता है कि ये ट्रिपलेट फिब्रिल्स को डबल फिब्रिल्स में चेंज कर देंगे. तो जनरली जो सीलिया है वो तीन पार्ट्स में कंपोज रहता है. फर्स्ट इज बेसल बॉडी जिसको हम ब्लेफेरोप्लास्ट के नीटोसोम्स या बेसल ग्रैनुल्स भी बोलते हैं. सेकंड इज़ द बेसल प्लेट एंड थर्ड इज़ द शाफ्ट. तो इस डायग्राम में आपको ये तीनों स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे. एंड स्टार्ट करते हैं बेसल बॉडी से. तो बेसल बॉडी जो है वो सेंट्रियोल से बनती है एंड जनरली जो हमारा प्लाज्मा लिमा है उसके नीचे बिल्कुल उसके नीचे एट द आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म ये सिचुएटेड रहेगी बेसल बॉडी. आप देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्टिंग्विश किया गया है एंड इसके नीचे वाले हिस्से में ये बेसल बॉडी है. सेम थिंग दैट व्हाट आई एम सेइंग. तो ये जो अकर होती है दैट इज इट अकर्स एट द बेस ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजेला, वहाँ पे ये प्रेजेंट रहती है एंड फिर ये राइज आउट होकर एक्सपोज हो जाती है. एंड जनरली ये जो बेसल बॉडी है इट विल कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला. नेक्स्ट हम चलते हैं बेसल प्लेट की तरफ. ये जो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस कैन बी सिंबलाइज विद द हेल्प ऑफ नेम दैट इज़ बेसल प्लेट. बेसल प्लेट बोल सकते हैं इसको. तो ये क्या होगी, ये एक प्लेट लाइक रीजन होगा, हाईली डेंस बैंड बनेगा एंड ये किसके बीच में होगा, बेसल बॉडी एंड शाफ्ट वाले रीजन के बीच में प्रेजेंट रहेगा ये बेसल प्लेट वाला पोर्शन. और इसका फंक्शन क्या होता है बेसल प्लेट का, ये ट्रिपलेट फिब्रिल्स को डबलेट फिब्रिल्स में चेंज कर देता है. ट्रिपलेट फिब्रिल्स किसके पास होंगे, इस बेसल बॉडी के पास होंगे एंड डबल फिब्रिल्स किसके पास होंगे, टू विद दिस शाफ्ट. तो ट्रिपलेट को 3 in number को 2 in number कर देता है ये बेसल प्लेट. ये इसका फंक्शन है. फिब्रिल्स क्या होते हैं अभी हम नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे. अब आ जाते हैं शाफ्ट पे. जो शाफ्ट है ये हेयर लाइक एक्सपोज्ड
पार्ट होता है सीलिया एंड फ्लैजुला का, जो ये ग्रीन कलर के कलर में आपको ऊपर से दिख रहा है, ये एक्सपोज रीजन होगा। इसकी ऑलमोस्ट जो लेंथ है दैट इज़ 2 to 10 माइक्रोमीटर्स, एंड जो सीलिया के केस में, और फ्लैजुला के केस में ये लॉन्गर हो जाएगी, अभी हमने स्टार्टिंग में किया, दैट विल बी 100 to 150 माइक्रोमीटर्स। अगर हम इसके डायामीटर की बात करें तो डायामीटर होगा 0.5 माइक्रोमीटर्स। जो ये शाफ्ट है, दिस होल रीजन, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 parts, शीथ एंड एक्सोनीम। जो शीथ है, ये जो डार्क कलर की आपको बाहर दिख रही है, डार्क ग्रीन कलर की, ये क्या है, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ से देखोगे ये ब्राउन कलर का है और इसकी एक्सटेंशन हो रहा है, एंड इसको हम शीथ बोल देते हैं। तो ये क्या एक्सटेंशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ताकि एक सीलिया और फ्लैजुला के अराउंड प्रॉपर कवरिंग बना सके। आप देख रहे हो इसको कवर ही कर रहा है ये। तो ये काफ़ी स्मूथ रहती है विप्लैश फ्लैजुला में, एंड फाइन आउटग्रोथ्स होंगी इन द केस ऑफ टेंसाइल फ्लैजुला, और उन फाइन आउटग्रोथ्स को हम बोल देते हैं मेस्टिगोनीम या फ्लिमर्स। सेकेंड पार्ट जो है यहाँ पे, दैट इज एक्सोनीम। एक्सोनीम को हम एक्सियल फिलामेंट भी बोलते हैं, एंड ये जो एक्सोनीम है, ये ग्रीन, लाइट ग्रीन वाला पार्ट है, ये फर्दर काफ़ी ज़्यादा सब पार्ट्स में डिवाइड रहता है, दैट इज फिब्रिल्स, मैट्रिक्स, स्पोक्स, लिंकर्स, सेंट्रल शीथ, डबल ब्रिज, इन सब में ये डिफ्रेंशिएट रहता है। तो ये जो रीजन है, ये कोर रीजन रहेगा फ्लैजुला का, अंदर वाला रीजन रहेगा, एंड लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स होंगे जो कि एक दूसरे के पैरेलल ही अरेंज रहेंगे। आप देखोगे ये स्टिक्स तरह का है, जैसे स्टिक्स होती हैं वैसे है, एंड एक दूसरे के पैरेललली अरेंज है। यहाँ ऊपर से अरेंजमेंट देखो, कैसे सर्कुलर अरेंजमेंट है एंड पैरेलली एक दूसरे के पड़ा हुआ है। तो इसमें ये जो हैं, ये लाइट ग्रीन कलर के, दीज ऑल आर माइक्रोटिब्यूल्स जो कि एक दूसरे के पैरेलल पड़े हैं। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं सीलिया एंड फ्लैजुला का। दिस इज़ द जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बोथ सीलिया एंड फ्लैजुला। एक्सोनीम जो है, दैट इज़ डिवाइडेड टू फिब्रिल्स, मैट्रिक्स, स्पोक्स एंड लिंकर्स, वो सभी हम इस स्ट्रक्चर में देख कर एक्सप्लेन करेंगे, एंड आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म वेरी क्लियरली। तो फिब्रिल से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर फिब्रिल्स, आप देखो यहाँ पे ये मार्क किया गया है, हेयर फिब्रिल्स, एंड यहाँ पे एक फिब्रिल्स, दो जगह मार्क किया गया है। तो ये होते क्या हैं, एक्सोनीम के पास जनरली 11 फिब्रिल्स होते हैं, दैट इज 9 पेयर ऑफ डबलेट फिब्रिल्स विच आर अरेंज रेडियली एट दी पेरीफ्री। ठीक है, तो अब ये जो व्हील लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जैसे कार्ट व्हील होता है ना, वैसे ही इसको देखने में अपेयरेंस आती है, वैसा ही देखने को लगता है, तो हम इसको कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जो फिब्रिल्स हैं जर्नली सीलिया में, वो 11 होंगे, एंड 11 कैसे होंगे वो अब देखते हैं। जो ये पेरीफ्री पे है, एजेस पे, ये जो रेडियली अरेंज फिब्रिल्स हैं, इनको हम डबलेट फिब्रिल्स बोलते हैं। डबलेट क्यों बोला, क्योंकि देखो ये डबल डबल एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, सभी के सभी, और ये टोटल कितने नंबर में होंगे, ये सारे आप काउंट करके देखना, दे विल बी 9 इन नंबर। तो 9 फिब्रिल्स तो हो गए, 9 पेयर ऑफ डबलेट फिब्रिल्स तो हो गए रेडियली अरेंज्ड एट द पेरीफ्री ऑफ दिस माइक्रोटिब्यूल, एंड जो 9 में से बचे 2, 11 को कंप्लीट करने के लिए, तो 2 ये जो होंगे दैट विल बी लोकेटेड इन द सेंटर हियर। तो इसको हम बोलेंगे सिंगलेट फिब्रिल, ये डबलेट नहीं है, ये सिंगली अरेंज है और जॉइंड है विद द हेल्प ऑफ ब्रिज। ये देखो ब्रिज की हेल्प से ये जॉइंड है, लेकिन है अलग अलग। तो ये क्या रहेंगे, ये सिंगलेट फिब्रिल्स रहेंगे, और इसको हम 2 कंसिडर करेंगे, एंड जो पेरीफ्री पे है उसको हम 9 डबलेट फिब्रिल्स कंसिडर करेंगे। तो इनको कैलकुलेट करके वी गॉट 11 फिब्रिल्स इन केस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजुला, एंड इस तरह की अरेंजमेंट होगी, 9 जो है वो पेरीफ्री पे है एंड 2 जो है दे आर लोकेटेड इन द सेंटर, वी से 9+2 अरेंजमेंट। नाउ वी विल सी कि ये जो डबलेट फिब्रिल हैं, इसके पास 2 माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं, मतलब ये जो सर्कुलर रीजन है इसको हम माइक्रोटिब्यूल कंसिडर कर रहे हैं, या इसको हम सब फाइबर भी बोल सकते हैं। तो वी विल डोनेटेड एज माइक्रोटिब्यूल ए एंड माइक्रोटिब्यूल बी,
दो माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं, जिसमें जो बी माइक्रोटिब्यूल है, दिस बी माइक्रोटिब्यूल, ये थोड़ा सा आउटर पेरिफ्री की तरफ अरेंज रहेगा, और जो ए माइक्रोटिब्यूल है वो टुवर्ड्स द इनर साइड प्रेजेंट रहेगा। तो जर्नी जो ए माइक्रोटिब्यूल है आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में देखें ए एंड बी माइक्रोटिब्यूल्स बहुत अच्छी तरह से दिखाए गए हैं। ये जो ए माइक्रोटिब्यूल है इसके पास दो आर्म्स होती हैं, दैट इज़ आउटर आर्म एंड इनर आर्म। जो आउटर आर्म रहेगी वो थोड़ी सी हुक्ड होती है एंड इनर आर्म इज़ स्ट्रेट एज़ कम्पेयर टू द आउटर आर्म। फर्दर हम देखते हैं जो आर्म्स हैं ये डायनाइन नाम के प्रोटीन की बनी होती है, एंड जो इनके हेड्स होते हैं, इन आर्म्स के जो हेड्स हैं, दे आर इन कॉन्टेक्ट विद द माइक्रोटिब्यूल बी। मतलब आप देखो, इधर देखो ये वाले स्ट्रक्चर में, दिस इज़ माइक्रोटिब्यूल बी एंड दिस इज़ माइक्रोटिब्यूल ए। ए में से जो ये आर्म्स निकल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टर, ये सिंगल लाइन जैसा एक कनेक्टर है, वो बी माइक्रोटिब्यूल के साथ अटैच्ड है। जो दो अब आ जाते हैं हम ये टू सेंट्रल फिब्रिल्स पे। ये जो दो सेंट्रल फिब्रिल्स हैं ये सिंगल माइक्रोटिब्यूल के बने होते हैं, इसीलिए इसको C1 एंड C2 लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। एंड इसको हम सिंगलेट फिब्रिल बोलेंगे, नेम मैंने आपको बता दिया। ये जनरली एक दूसरे से सेपरेट आउट होते हैं विद दी हेल्प ऑफ 25 to 35 नैनोमीटर की स्पेस, एंड इसमें एक ब्रिज प्रेजेंट होता है इसी स्पेस में जो कि इन दोनों को सेपरेट आउट करता है। जो ये दोनों सेंट्रल फिब्रिल्स हैं ये इसको बायलेटरल सिमेट्री प्रोवाइड करते हैं टू दिस पर्टिकुलर सीलिया एंड फ्लैजेला। नेक्स्ट जो एलिमेंट है इसमें फिब्रिल्स के बाद, दैट इज़ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक प्रोटीनिशियस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि पूरे सीलिया को फिल कर देता है, एंटायर साइटोप्लाज्म जैसे होता है ना, उसी तरह ही मैट्रिक्स है इन केस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। नेक्स्ट इज़ दी सेंट्रल शीथ एंड डबल ब्रिज। सेंट्रल शीथ आप देखोगे यहाँ पे, हेयर इट इज़ मार्क्ड। सेंट्रल शीथ जो है, दिस इज़ द आउटलाइन जो कि कवर कर रही है दोनों सिंगलेट फिब्रिल्स को। जनरली ये जो सेंट्रल शीथ है, दिस इज़ प्रोटीनिशियस इन नेचर। अब हम बात कर लेते हैं डबल ब्रिज की। मैंने आपको पहले बता दिया कि ये ब्रिज जो है, यहाँ पे आप डबल ब्रिज मार्क कर सकते हो, एंड ये जो डबल ब्रिज है ये भी प्रोटीनेशियस इन नेचर होगा, एंड ये दोनों सेंट्रल फिब्रिल्स को सेपरेट आउट कर देगा। मूविंग टू द रेडियल स्पोक्स, दैट इज़ द फोर्थ एलिमेंट, आपको यहाँ पे दिख रही होगी मार्क्ड की हुई है रेडियल स्पोक्स। तो ये जो रेडियल स्पोक्स है ये एक तरह का लिंक है बिटवीन द पेरिफेरल डबलेट्स एंड दी सेंट्रल शीथ। ये जो सेंट्रल शीथ है और ये जो डबलेट्स हैं, इनके बीच में जो लिंक्स पैदा मतलब बना रहे हैं वो कौन है? रेडियल स्पोक्स हैं। रेडियल इसलिए बिकॉज अराउंड द सर्कल इट इज़ प्रेजेंट, तो इस वजह से हमने इसको रेडियल बोला, एंड स्पोक्स उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। जो रेडियल स्पोक है जर्नली वो ए सब फाइबर से अराइज होती है। आप देखोगे ये जो छोटे वाला ए सब फाइबर है इसी के साथ अटैच है और यहाँ से ही अराइज हो रही है, and it will proceed towards the central sheath, and फिर बाद में जब ये central sheath के एज पर पहुँच जाएगी ये spoke after their rise, तो क्या होगा, ये एक knob like head बना देगी। यहाँ पर mention है head, देखो तो ये head बना दिया है इसने at near the central sheath, and a narrow flat ट्रांजिशन जंक्शन प्रेजेंट होगा बिटवीन द सेंट्रल शीथ एंड हेड। अब आप देखो यहाँ पे एक डैश लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, ये रहे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ दी ट्रांजिशन जंक्शन बिटवीन द सेंट्रल शीथ, ये रहा सेंट्रल शीथ एंड ये रहा हेड। इसके बीच में जो ये ट्रांजिशन जंक्शन है, नैरो एंड फ्लैट जंक्शन, ये एक्सचेंज ऑफ मटीरियल में हेल्प करेगा, ट्रांजिशन ऑफ मटीरियल में। जो रेडियल स्पोक है इसके पास भी डायनाइन प्रोटीन होता है जो कि ATPase की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। नाउ लास्ट एलिमेंट जो है इसमें, दैट इज़ द लिंकर्स। जो डबलेट फिब्रिल्स होते हैं, आप देखोगे हेयर इट इज़ मेंशन लिंकर्स, तो जो डबलेट फिब्रिल्स होते हैं ये आउटर शीथ से कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, उसको हम लिंकर्स बोलते हैं। अगर तो ये डबलेट फिब्रिल आउटर शीथ, मतलब ये आउटलाइन जो है जिसको अकेला यहाँ पे शीथ मार्क किया, इसके साथ कनेक्टेड है, तो उस लिंकर को हम बोलेंगे मेम्ब्रेन लिंकर। और अगर ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं,
जो यहाँ पे बी ए लिंकर लिखा हुआ है तो उसको हम बी ए लिंकर बोलेंगे. सो दीज वर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सीलिया एंड फ्लैजुला. नेक्स्ट हम यहाँ पे सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम की बात करते हैं. जनरली जो ये सेंट्रियोल्स होते हैं पहले उसको समझते हैं. सेंट्रियोल्स एक तरह के मेम्ब्रेनलेस हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पेयर में एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस के पास. पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स को हम डिप्लोसोम्स बोलते हैं. सेंट्रियोल्स जो कि एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, अगर हम सेल को ओवरऑल सेल उस चेनिंग के अंदर डालेंगे तो ये अलग से स्टेन्ड रीजन पता लगेगा इन द साइटोप्लाज्म, एंड उसको हम उस पर्टिकुलर रीजन को हम सेंट्रोस्फीयर या किनोप्लाज्म बोलेंगे. सो अब आ जाते हैं व्हाट आर सेंट्रोसोम्स. तो बुक में सबसे पहले ना सेंट्रोसोम्स के बारे में लिखा हुआ है एंड बीच में ही उन्होंने इंक्लूड करके लिख दिया कि सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, लेकिन आपको इन दोनों को अलग अलग पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं. अब जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोस्फीयर एंड सेंट्रियोल्स, उसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं, या साइटोसेंटर बोलो या सेंट्रल एपरेटस बोलो. जो दो सेंट्रियोल्स होते हैं सेंट्रोसोम के, एक दूसरे के परपेंडिकुलर पड़े रहते हैं इन द पोजीशन एंड दे अपीयर लाइक कार्टवील लाइक अपेयरेंस, है ना. ऑर्गेनाइजेशंस की ऐसी होती है कि वो कार्टवील लाइक अपेयरेंस देता है. क्यों? क्योंकि इसके पेरिफ्री पे फिब्रिल्स प्रेजेंट है, स्पोक्स हैं, हब्स हैं, जैसे अभी हमने सीलिया एंड फ्लैजुला में किया. थोड़ा बहुत ही अंतर है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में, अदरवाइज इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द सीलिया एंड फ्लैजुला इन द केस ऑफ स्ट्रक्चर्स. सेंट्रोस्फीयर जो है इसके पास, अभी जो हमने सेंट्रोस्फीयर पढ़ा कि जौन से रीजन में ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहते हैं, उस रीजन में रिबोसोम्स, इंक्लूजन बॉडीज, ग्लाइकोजन, ये सब कुछ एब्सेंट रहता है. अगर हम एक सेंट्रियोल की या सेंट्रोसोम की ओवरऑल केमिकल कंपोजिशन देखें तो उसमें प्रोटीन्स होंगे. प्रोटीन्स में स्पेसिफिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड्स एंड ATPases होंगे, न्यूक्लिक एसिड्स होंगे जो कि जनरली नहीं प्रेजेंट रहते, न्यूक्लिक एसिड्स आर नॉट प्रेजेंट. अब हम देखते हैं कि इस सेंट्रियोल के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं. सो देयर आर सिक्स कंपोनेंट्स, दैट इज अ माइक्रो सिलेंडर, देन ट्रिपलेट फिब्रिल्स, देन मैट्रिक्स, लिंकर्स, हब, स्पोक्स, ये सब रहेंगे, एंड इसके अलावा भी कुछ हैं जो कि हम कवर करते जाएंगे साइड बाय साइड. ओके, जो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, एंड इसका TS है, एंड साथ में इसके जो माइक्रोफिलामेंट्स है इसके अरेंजमेंट भी आपको दिखाए गए हैं. तो शुरू करते हैं, सबसे पहले माइक्रो सिलेंडर देखते हैं. सेंट्रियोल जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो सिलेंडर जो कि दोनों तरफ से ही ओपन रहता है. तो बेसिकली व्हाट इज़ अ माइक्रो सिलेंडर, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ वर्ल ऑफ 9 ट्रिपलेट फिब्रिल्स. ये जो ट्रिपलेट फिब्रिल्स, ध्यान दें जो मैं बोल रही हूँ, ट्रिपलेट फिब्रिल्स के 9 वर्ल्स होंगे, उसका ही ये माइक्रो सिलेंडर बना होगा. और कैसे अरेंज होगा, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड रहेगा. एंड नेक्स्ट जो है ट्रिपलेट फिब्रिल, मतलब ये हम इतना सेगमेंट उठाने लगे हैं, ये जो ट्रिपलेट फिब्रिल्स हैं ये टोटल 9 होते हैं, एंड जनरली पेरीफ्री पे ही प्रेजेंट होते हैं इस सेंट्रियोल के, एंड इसमें कोई भी सेंट्रल फिब्रिल नहीं है. आप देखोगे जैसे सीलिया एंड फ्लैजुला के केस में किया था, उसके पास दो सिंगलेट सेंट्रल फिब्रिल्स थे, लेकिन इसके पास कोई भी फिब्रिल नहीं है, सेंट्रल फिब्रिल नहीं है. तो इस वजह से इसका अरेंजमेंट क्या हो गया, 9+0 अरेंजमेंट. तो अरेंजमेंट का डिफरेंस रहेगा सीलिया एंड फ्लैजुला में, उसमें 9+2 था, तो हमने बोला कि 11 फिब्रिल्स आर प्रेजेंट, एंड यहाँ पे 9+0 है तो 9 फिब्रिल्स आर प्रेजेंट. सो माइक्रोटिब्यूल्स देख लेते हैं कितने प्रेजेंट हैं इन फिब्रिल्स, ट्रिपलेट फिब्रिल में ये जो माइक्रोटिब्यूल्स हैं वो देखते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो माइक्रोटिब्यूल्स हैं दे आर 3 ए बी एंड सी होंगे, जिसमें से जो ए माइक्रोटिब्यूल है वो कंप्लीट रहेगा, बी एंड सी एक दूसरे के साथ फ्यूज रहते हैं, एंड ये ए बी सी माइक्रोटिब्यूल्स मिलकर ट्रिपलेट फिब्रिल्स बनाते हैं.
नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करें, जैसे सीलिया एंड फ्लैजेला में था, वैसे ही जो मैट्रिक्स है इन केस ऑफ दिस सेंट्रियोल, ये भी पूरे एंटायर माइक्रो सिलेंडर को फिल करता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हब पे। हब यहाँ पे मेंशन है, ये देखो सेंट्रल रीजन में। तो जो हब है ये क्या है, रॉड शेप्ड प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिब्रिल्स नहीं होंगे, सिंपल हब प्रेजेंट होगा और ये रॉड शेप्ड रहेगा, प्रोटीनेशियस इन नेचर रहेगा। देन नेक्स्ट एलिमेंट जो है दैट आर लिंकर्स। लिंकर्स की बात करें तो ये भी प्रोटीनेशियस कनेक्शंस होते हैं जो कि एडजेसेंट फिब्रिल्स में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब एक ट्रिपलेट फिब्रिल और दूसरे ट्रिपलेट फिब्रिल के बीच में। तो जर्नली ये सी ए लिंकर्स होते हैं, यहाँ पे मेंशन है लेबलिंग में, तो सी ए लिंकर्स मतलब कि सी वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो पेरिफ्री पे है, उसको लिंक करेंगे विद द ए वाला माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ द अनदर एडजेसेंट ट्रिपलेट फिब्रिल, इस वजह से हमने इसको सी ए लिंकर बोला। तो ये सी ए लिंकर्स होंगे। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्पोक्स पे। हेयर इट इज मेंशन स्पोक्स। तो जो स्पोक्स हैं ये टोटल 9 प्रोटीनेशियस स्ट्रैंड होते हैं जो कि रेडियली पूरे सेंट्रियोल में प्रेजेंट रहते हैं। एंड ये क्या करते हैं, ये सेंट्रल हब से जॉइनिंग करवाते हैं पेरिफेरल ट्रिपलेट की। आप देखोगे ये जो स्पोक्स हैं दे आर जनरली यूज एज अ कनेक्शन विद द सेंट्रल हब का विद दिस पेरिफेरल ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स ओवरऑल की बात कर रही हूँ, तो पेरिफेरल ट्रिपलेट्स की साथ स्पोक्स क्या है इसका कनेक्शन करवाएंगी। जो स्पोक का कनेक्शन है ये फाइन प्रोटीनेशियस स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि सी ए लिंकर को फर्दर रेडियल स्पोक्स के साथ लिंक करवाता है। ये सी ए लिंकर था एंड इसको रेडियल स्पोक्स के साथ जो लिंक करवाएगा वो भी स्पोक्स का कनेक्शन रहेगा। लास्ट हमने सीलिया एंड फ्लैजेला में भी रेडियल स्पोक्स किया, तो इसी तरह ये कनेक्शन करवाएगा। अब देखो जो डिफरेंस वाली बात है, यहाँ पे दो तरह की थिकनिंग्स होती हैं, एक्स थिकनिंग एंड वाई थिकनिंग। तो ये क्या होती हैं, जो एक्स थिकनिंग है ये रेडियल स्पोक के ऊपर होंगी, रेडियल स्पोक के ऊपर, दीज आर द एक्स थिकनिंग, ये वाली ये जो मिडल में है तो ये रेडियल स्पोक्स के ऊपर होंगी एंड इट विल बी नियर द ए फिब्रिल। अब देखो ये है एक्स, राइट, दिस वन इज एक्स और तो ए फिब्रिल के बिल्कुल पास में है। वाई थिकनिंग क्या होंगी, ये दो एक्स थिकनिंग्स के बीच में जो थिकनिंग प्रेजेंट होगी उसको हम वाई फिब्रिल बोलेंगे, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे दो थिकनिंग्स प्रेजेंट रहती हैं, एक्स एंड वाई थिकनिंग्स। फर्दर हम मेज्यूल्स की बात करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे ये मेंशन है, लेबल्ड है मेज्यूल्स, इनको हम पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। ये टोटल 9 नंबर में होंगे एंड ये डेंस अमॉर्फस स्फीयर्स होते हैं जो कि लेटरली एक सेंट्रियोल को सराउंड कर लेते हैं, तो दीज आर मेज्यूल्स। फर्दर ये जो मेज्यूल्स हैं इनका काम क्या रहेगा, ये न्यूक्लिएटिंग सेंटर्स होते हैं जो कि डॉटर सेंट्रियोल्स या एस्ट्रल रेज की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, दीज मेज्यूल्स। सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रियोल्स। ओके, तो हम अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं क्या रहेंगे इन सेंट्रियोल्स के। तो बेसल बॉडी हमने सीलिया एंड फ्लैजेला में किया था कि वो सेंट्रियोल से बनती है, तो ये जो बेसल बॉडी है ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम दी सेंट्रियोल्स। फर्दर इसके मेज्यूल्स की हमने बात की थी जो कि न्यूक्लिएटिंग सेंटर्स हैं, ये फर्दर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे, द न्यूक्लिएटिंग सेंटर्स विल फॉर्म द माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो स्पर्म की ह्यूमन स्पर्म में जो टेल होती है, किसी भी मेल गैमेट में जो टेल रीजन होता है, दे आर जनरली फॉर्म ऑफ डिस्टल सेंट्रियोल्स। नेक्स्ट जो सेंट्रियोल्स हैं ये स्पिंडल फाइबर्स या स्पिंडल एपरेटस की फॉर्मेशन में हेल्प करवाता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, इन पर्टिकुलरली इन द एनिमल सेल्स, स्पिंडल फाइबर्स एंड स्पिंडल एपरेटस की फॉर्मेशन करवाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सीलिया एंड फ्लैजेला एंड सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।